हेलो स्टूडेंट्स, पार्ट द लर्निंग हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं फर्स्ट चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आपके सामने आया हूं और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निश्चित रूप से ये क्वेश्चन एग्जाम में अल्टरनेट करके आता है, तो चलिए ये क्वेश्चन आज हम देखते हैं। ऐसे ही कुलिप्स डिविजन एल्गोरिथम का वीडियो आप देख सकते हैं वहां चैनल पे, और आपका जो कुछ सिलेबस में चेंजिंग किया है जिसमें यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को हटा दिया है, बट ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन है, चेक वेदर 6 का पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब यहाँ n का कोई, n के बदले कोई भी नेचुरल नंबर अगर हम रखते हैं तो उसको सॉल्व करने पे वो जीरो डिजिट से इंड करेगा कि नहीं करेगा, ये चीज हमें चेक करना है कि 6 के पावर n के फॉर्म का कोई भी नंबर हो, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, तो वो जीरो से इंड करेगा या नहीं, इस चीज को समझना है इसमें। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले कुछ थ्योरम है जो कि आप समझ लीजिए। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये कहता है, सबसे पहले एक चीज ये समझ लीजिए, ये बताता है कि कोई भी नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर, किसी भी नेचुरल नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन जो होता है वो यूनिक होता है। तो ये आप थ्योरम देख लीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी नेचुरल नंबर इज यूनिक। मतलब किसी भी प्राइम नंबर किसी भी नेचुरल नंबर का आप अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो यूनिक होता है। दैट इज आप यहां से ये समझ सकते हैं कि इट कांट बी चेंज एट एनी रेट, किसी भी रेट में ये नहीं बदलता है। क्या नहीं बदलता है? प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं बदलता है। जैसे अगर हम 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करें, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, इसमें सबसे पहले हम लोग किसी भी प्राइम नंबर को ही रखते हैं, तो सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 से अगर नहीं होता है तो फिर 3 से करते हैं, 3 से नहीं होता है तो 5 से, 7 से, यानी कोई भी प्राइम नंबर ही यहां पे लिया जाता है। 3, 5, 15, यानी आप अगर हम लोग यहां 30 का पावर 2 कर दे, ये तो 30 लिए हैं और 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन यहां पे कितना आ गया, 2 × 3 × 5 आ गया। अगर हम 30 का पावर 2 कर देंगे तो क्या उसके प्राइम फैक्टर्स में जो 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 प्राइम नंबर्स यहां आ रहे हैं 2, 3, 5, क्या इसके अलावा भी कोई आएगा? बिल्कुल नहीं। वही फंडामेंटल थ्योरम बताता है कि किसी भी नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है और किसी भी रेट में वो नहीं बदल सकते हैं उसको हम लोग। जैसे आप देखिए 900 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम कर रहे हैं, चलिए 3 से देखते हैं, 3, 5, 15, फिर 3 से 25, यहां से फिर 5 से, यानी इसका 900 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया वो क्या आया आपका, 2² × 3² × 5². मेरे कहने का मतलब ये है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 3 × 5² यानी अगर 3 लिए, 3 का पावर 2 लिए, अगर उसी तरीके से हम अगर 3 का पावर 3 करें तो बिल्कुल इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में भी 2 × 3 × 5² हो सकता है। यानी इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2, 3 और 5 रहेगा, इसके अलावा कोई नंबर नहीं रहेगा। यही कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कि किसी भी नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है, उसका पावर आप कितना भी कर लीजिए और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप निकाल रहे हैं तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में ऑलवेज 2, 3, 5 ही आएगा।
दूसरा इसमें एक बात समझना है, एक बात तो ये इस क्वेश्चन को बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का। दूसरा क्या है कि अगर कोई नंबर जीरो से एंड कर रहा है, अगर जीरो एंडिंग कोई भी नंबर हम ले रहे हैं तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन का क्या प्रॉपर्टी होता है, इस चीज को आप लोग थोड़ा सा इसमें समझ लीजिए। चलिए जीरो एंडिंग कोई और नंबर भी हम देखते हैं, जैसे 30 है, एक 40 ले लिए, जैसे आप 900 ही देखे थे, 40 लिए, यानी 40 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा ये आएगा 2^3 × 5, इसका आया था 2 × 3 × 5। आप और भी कोई नंबर लीजिए, जीरो एंडिंग कोई भी नंबर आप लीजिए, जैसे 50 हम लोग ले रहे हैं, यानी इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2^2 × 5। यानी यहां से एक प्रॉपर्टी आप याद रखिए कि जीरो एंडिंग कोई भी नंबर होगा उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 निश्चित रूप से होंगे। आप देखिए 2, 5 यहां भी है, 2, 5, 2, 5, और भी कोई भी जीरो एंडिंग आप नंबर लेंगे तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 निश्चित रूप से आएगा। हाँ, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि केवल 2 और 5 ही होगा, 2, 5 के अलावा और भी नंबर हो सकता है, बट 2 और 5 श्योर रहेगा, निश्चित रूप से रहेगा। तो ये चीज भी आप एक यहां से नोट कर सकते हैं कि द नंबर इंस विच जीरो हैव प्राइम फैक्टर्स 2 और 5, कोई भी नंबर जो जीरो से एंड कर रहा है उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 निश्चित रूप से होगा। तो यही दोनों थ्योरम का यूज करके हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमारे दिया है कि 6^n के फॉर्म का कोई भी नंबर होगा जहां n कोई नेचुरल नंबर है, वो जीरो से एंड करेगा या नहीं करेगा, इस चीज को चेक करना है। तो हमने दो थ्योरम आपको बताया, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में ये बताया कि किसी भी नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी नंबर इज यूनिक नहीं, एंड इट कांट बी चेंज एट एनी कॉस्ट या एट एनी रेट, यानी उसको हम लोग किसी भी रेट में बदल नहीं सकते हैं। कहने का ये मतलब होगा कि कोई भी नंबर, जैसे हमने देखा था कि 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखा था, उसमें हमने देखा था 2 × 3 × 5, 30 का पावर अगर n कर देंगे तो क्या इसका प्राइम फैक्टर्स के जो भी प्राइम फैक्टर्स में जो नंबर होगा वो क्या बदल जाएगा? बिल्कुल नहीं बदलेगा, ये आपका 2 × 3 × 5 जैसे n हो जाएगा। मतलब n के बदले आप अगर 2 रख रहे हैं तो ये 2 हो जाएगा, अगर आप 3 रख रहे हैं तो यहाँ ये 3 हो जाएगा। मतलब इसका पावर आप कितना भी रखें उसके प्राइम फैक्टर यही तीनों होंगे, मैंने ये बताया। दूसरा ये बताया कि जीरो से एंड करने वाले जो भी नंबर होंगे उनके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 निश्चित रूप से आएगा। हाँ, 2 और 5 के अलावा और भी कुछ आ सकता है, लेकिन 2 और 5 श्योर निश्चित रूप से होना चाहिए। तो यही दोनों कॉन्सेप्ट का हम इस क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कहां से करें, तो हम ये चीज बताएंगे कि जीरो डिजिट से इंड करने वाला जो नंबर है उसके प्राइम फैक्टर्स में क्या क्या होगा, ये बात हम थोड़ा सा यहां पे जिक्र करेंगे। वी नो दैट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ जीरो एंडिंग, वी नो दैट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ जीरो एंडिंग नंबर्स मस्ट हैव, वी नो दैट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ जीरो एंडिंग नंबर्स मस्ट हैव 2 और 5। मतलब निश्चित रूप से 2 और 5 होगा, 2 और 5 ही नहीं होगा, 2 और 5 के अलावा कोई और भी हो सकता है, बट 2 और 5 निश्चित रूप से होगा। अब हम लोग ये लाइन बता दिए कि जीरो एंडिंग जो भी नंबर होंगे उनके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 निश्चित रूप से होगा, ठीक है। अब आगे हम लोग इसका, इस नंबर का प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो आपको पता है कि एन कोई भी नेचुरल नंबर आप रखेंगे तो प्राइम फैक्टर जो 6 का होगा वही होगा, ठीक है। तो हम लोग सो यहां पे प्राइम फैक्टर्स आप पता करते हैं, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 का पावर एन जो होगा वो क्या होगा,
तो यहां से 2 इंटू 3 का पावर n होगा, यानी यहां हम कह सकते हैं कि 6 के पावर n के प्राइम फैक्टर्स में 5 नहीं है, 2 3 तो है लेकिन 5 नहीं है। अगर 5 रहता तब हम कहते कि ये 0 से इंड करेगा, जैसे हमने ऊपर ही बता दिया इस बात को कि जो नंबर 0 इंडिंग जो भी नंबर होगा उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 निश्चित रूप से होना चाहिए। और हम देख रहे हैं कि 6 के पावर n का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें जहां n कोई भी नेचुरल नंबर आप रखें तो उसमें 2 और 3 ही आएगा, 5 नहीं आएगा। और इस तरीके से हम बता सकते हैं कि 6 का पावर n जो है वो 0 से इंड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर्स में 5 नहीं आ रहा है, जबकि 0 होने के लिए, 0 से इंड करने के लिए प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों होना चाहिए। इस बात को हमें लास्ट कर देना है। सिंस द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 का पावर n, सिंस द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 का पावर n नॉट कॉन्टेंट्स 5, मतलब 6 के प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 के पावर n का जो प्राइम फैक्टर्स हैं उसमें 5 नहीं है, नहीं, हेंस 6 का पावर n, हेंस एनी नेचुरल नंबर, हेंस एनी, हेंस 6 का पावर n कैनॉट एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो ये हुआ सिंस द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 का पावर n नॉट कॉन्टेंट्स 5, 6 के पावर n के प्राइम फैक्टर्स में आप देख रहे हैं केवल 2 और 5 ही होगा, सॉरी 2 और 3 ही होगा, इसमें 5 नहीं होगा, वही बात यहां बताया जा रहा है। और जब 5 नहीं होगा यानी ये 0 से इंट नहीं करेगा, क्योंकि ये बात हम ऊपर ही बता चुके हैं। तो ये रहा आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे 6 के पावर n के बदले 4 के पावर n भी दे सकता है क्वेश्चन में, क्योंकि 4 का पावर n भी दिया हुआ है एग्जाम्पल में एनसीईआरटी के बुक का। तो आप 4 का पावर n पूछेगा तो वहां पे आप 4 के पावर n का फिर प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो केवल 4 के पावर n के प्राइम फैक्टर्स में 2 और 2 ही होगा, मतलब केवल 2 ही होगा, 2 का स्क्वायर इसको लिखा जा सकता है 4 को, यानी केवल 2 ही होगा। आप यहां n के बदले कोई भी नेचुरल नंबर आप रखिएगा तो उसके प्राइम फैक्टर्स में केवल 2 ही आएगा, यानी 2 आएगा, 5 तो नहीं आ रहा है ना, जबकि 0 से इंड करने के लिए 2 और 5 दोनों होना चाहिए। यानी इस तरीके से अगर इस क्वेश्चन में 6 के पावर n के बदले 4 का पावर n देगा तो भी आप वहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये दो कॉन्सेप्ट इसमें यूज था, में आया था, आप इस चीज को समझ गए। और हां, आप पार्थ हमेशा आपके साथ है, आप हमारे जो भी वीडियोस हैं देख रहे हैं आप उसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आगे कोई भी जो भी वीडियो हम लोग अपलोड कर रहे हैं वो वीडियो सब आपको मिलेगा। दूसरा चीज, अगर कमेंट बॉक्स में अगर आपको जो भी इसमें प्रॉब्लम लग रहा है, अगर बाय द वे अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, या फिर कोई और भी क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड जो है वो अगर आपको प्रॉब्लम लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से आप लिखिए और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आपके जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उनका सॉल्यूशन दिया जाएगा और अच्छे तरीके से दिया जाएगा। ओके।